बटाला में विधायक अमन शेर सिंह की तरफ से पार्क का उद्घाटन किया गया। पार्क में शहीदों की प्रतिमाएं भी लगाई गई। वहीं करीब 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया गया। शहीदों की प्रतिमाओं में शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु की प्रतिमाएं शामिल हैं। विधायक ने बताया कि शहर के चारों तरफ विकास कार्य चल रहे हैं ताकि लोगों को अच्छा वातावरण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर जम्मू नेशनल हाईवे कंडियाल बाईपास पर 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा, जो लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। वहीं इसके अलावा विधायक की तरफ से शहीद परिवार समिति के महासचिव कुंवर रविंदर विक्की व फौजी शहीद जवानों के परिवारों को भी बुलाया गया। मैं यो कहना चाहूँगा जी, जिंदगी का जड़ा ये दुनिया का मेला है, आना जाना बनया है। जो कोई आके चंगे काम कर जाता है, दुनिया उन्हें याद रखती है। और गल मैं एक गल मानना कह सकता है भी एक देश भावना का जज्बा तो जनून जरा यह साढ़े लोगों के बच्चों के एक जज्बा जरा बड़ा कायम रखने की इनू लोड़ भी है और कायम रखते भी नहीं। सो अज ये जरा तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है 2 किलोमीटर तो जरा अगे दसते हाँ भी बटाला पता नहीं लगता हूँ जरा जम्मू तो थोड़े रिश्तेदार आया करे इन्ना दस दया करो भी बस बटाला शुरू कितों होना जी जिते तिरंगा झंडा लगे। ब्यास तो जो पहलिया स्टार्टिंग जो मोड़ मुड़ते हाँ बटाले तो पहला जो टोए च गड्डी वजदी नाल ही मूँह चो निकलता भी साडा बटाला आ गया। पर हुण तुसीं वेखोगे अंकल हुणी भी आए ने साडे सारे सड़कां चौड़ियां हो रही ने वधिया। सो कहण दा भाव मैं अगे भी एक गल कहना सर साडे बटाले नूं पछड़िया कहा जाता इत्थे साडे अगां वधू लोकां च कमी नहीं। ये दिल्ली बैठे ने दिल्लियों ये बटाले नूं प्यार करते ने और मैनू माण है इस गल का भी जिथे जिथे भी मैं खड़े करना खिलारदा जिथे भी ड्यूटी लाना मैनू नज़र आते हैं। ये मेरा परिवार परिवार का मतलब की होंगे वा भी वो यो ही है भी जदों ये काम कि वास्ते कर रहे हैं साढ़े बच्चों के भविख लिए साड़ी आने वाली पीढ़ी वास्ते ये जोड़े काम बड़े जरूरी ने। और जो कि मैं इन्नी गल जरूर मैं कह सकता भी हर जिन्हें भी सगों बटाले का वेख्या माहौल तो ही ये अज तक ये तरक्की की लीह तो नहीं गया ये उस सड़कें टुटिया ही तो उत्थे लुक पी ना तो अद्धा फुट इधर नी तो ना अद्धा फुट उधर नी तुम भरी भंत सारे जानते हो। सो ये हुण पहली बारी होया तुहाडियां सड़कां चौड़ियां हो रही तुहाडा चौंक अज ये बड़ा ये नहीं भी ये बड़ा छोटा कंसैप्ट आते हो गया ये सानू पता है ये वास्ते सानू की घालना घालनी पई है। अज ये सब तो औखा पड़ा ही आप शुरू करके हूँ जोड़ा वा ये तो नाल ही आप हूँ सुखा सिंह महताब सिंह चौंक च नींह पत्थर रखन लगे। सो कहण दा भाव बड़े काम रेंदे ने बटाले वाले जिहड़े करने ने। ठीक है जी, ये मेरा MLA साडा लेकिन छोटा छोटा भरा वा बेटे वांगू है और बहुत ही ये मन के जी तमन्ना के शहर में सुधारना है इन्हों जो असी ना रखने की गल सोच रहे सी इन्हों के दिमाग च है कि मैं इन्हों शहीदों समर्पित करना ये बड़ी दूर तो अभी कई सैकड़ा मीलों तो असी यह मूर्ति बनवाई है और भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की उन्होंने असी एक श्रद्धांजलि देने वास्ते एक छोटा जिहा उपराला किया और असी मिल के जो काम कर रहे हैं और मैं खुशी है कि भी ये छोटा वीर जड़ा ये मन के बड़ी तमन्ना वलवले है कि भी मैं कुछ ना कुछ कर सकता और असी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करांगे होर भी जो हो सकता। बटाले में होर बड़े प्रोजेक्ट लगे ने ये बने हुण पार्क होर इदां दे बनणगे इहदी होर हले सौंदरीकरण होएगा। आज़ादी का प्रतीक तिरंगा जन आज़ादी के परिवारों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपना बलिदान देकर इस देश की एक एकता व अखंडता को कायम रखा
आज बटाला के प्रवेश द्वार में एक तिरंगा, भव्य तिरंगा, एक पार्क शहीदों को समर्पित जो करके मेरे भाई ने आज एक माइलस्टोन स्थापित किया। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं और उस आज़ादी की गरिमा को बरकरार रखने वाले उन शहीद परिवारों को भी मेरे भाई ने यहाँ पे बुलाया है, उनका भी सम्मान होगा जो आज इस आज़ादी को, आज़ादी तो शहीद आज़म राजगुरु सुखदेव ने दिला दी, लेकिन उस आज़ादी की गरिमा को कायम रखने के लिए हमारे आज भी जांबाज सैनिक अपना बलिदान दे रहे हैं, उनके परिवार भी यहाँ पहुँचे हैं। सो सही मैडम, आज का ये कार्यक्रम सफल हो गया। मैं इस पुण्य काम के लिए, इस भव्य काम के लिए, इस देशभक्ति से ओतप्रोत काम के लिए अपने भाई अमर शेर सिंह शहरी कलसी का आभार व्यक्त करता हूं और समूह बटाला निवासियों से ये निवेदन करता हूं कि बेशक मेरी संस्था एक गैर राजनीतिक है, लेकिन बटाला वासियों, आपको एक अमर शेर शहरी के रूप में, एक विधायक के रूप में एक अनमोल हीरा मिला है, उस हीरे को अपने गलों में पिरो के रखिए, उसकी गरिमा को कायम रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।